हैं मामा चाय? अरे क्या कर रही हो, पत्र लिखा? चाय गिर जाएगी ना हारमोनियम पे, यहाँ रख दो। अरे बाबा अब रुक क्यों गए, बजाइए ना, कितना अच्छा बजा रहे थे। पत्रलेखा ने अभी चाय बनाई है ना, एक टी ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बजाएंगे। अच्छा अब पाखी दीदी मुझे भी एक कप चाय दीजिए ना, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, चाय पीऊंगी तो आराम मिलेगा। ऑफ कोर्स, तुम तो इस घर की महारानी हो ना, जो घर में होते हुए भी कोई काम नहीं करना चाहती। मेरे हिस्से की चाय तुम पी लो। वैसे तो तुम कभी हम सबके साथ बैठ के चाय तो पीती नहीं हो, तो मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई नहीं है, बट इट्स ओके, तुम ये ले लो, मैं अपने लिए दूसरी चाय बना लूंगी। बाकी दीदी आप एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कैसे बना देती हैं? मैंने आपसे एक कप चाय ही तो मांगी थी, उसमें आपने मुझे इतना सुना दिया। अगो मस्त मस्त, तू तो घर में छोटी है ना, खुद चाय बनाकर सबको पिलाने के बजाय सामने से ऑर्डर दे रही है। आज तो पूरा दिन तू घर पे थी ना, फिर घर का काम क्यों नहीं कर सकती? ओ हाँ, घर के काम करने से तेरी शान कम हो जाएगी, है ना? काकू मैंने अपनी मर्जी से कॉलेज से छुट्टी नहीं ली है, या एंजॉय करने के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में बहुत दर्द है, इसीलिए लेनी पड़ी छुट्टी। मैंने अपने प्रोफेसर को सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया था, ऐसे बिना बताए नहीं लिए छुट्टी। पत्र लिखा तुम क्यों जब देखो सही के पीछे पड़ी रहती हो? कह रहे हैं कि मैं सही के पीछे पड़ी रहती हूँ? निनाद मामा आप ऐसा कह रहे हैं? कहीं आपकी सोच में ये बदलाव सही के आपको हारमोनियम गिफ्ट करने से तो नहीं आया ना? देखो ऐसी बात नहीं है, सही आप लोगों को गिफ्ट देकर आपका दिल जीतना चाहती है, और वो तो कामयाब भी हो रही है, एक दिन वो आप सबको मेरे खिलाफ भी कर देगी। निनाद मामा को तो कर ही दिया है। वो जंगली मुर्गी कुछ भी कर ले, मेरा दिल कभी नहीं जीत सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे तो ख्वाबों में भी मैं उसके खिलाफ हिमलूंगी। अति बरोबर है वहीनी। पत्रलेखा तुम क्यों चिंता करती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे, और हमें कोई गिफ्ट देकर ना अपनी तरफ नहीं कर सकते। उसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी ओमी मामा, क्योंकि मैं सही के साथ एक छत के नीचे रह नहीं सकती। ये रोज रोज की तू मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। पत्र लिखा क्या बात कर रही हो तुम, वो बच्ची है अभी, तुम बड़ी हो, मैच्योर्ड हो, वो ये नहीं जानती कि जॉइंट फैमिली में कैसे सबके साथ रहा जाता है, पर सीख जाएगी धीरे धीरे। मस्त मस्त, अरे सही ने एक हारमोनियम क्या गिफ्ट कर दिया, तुम तो उसी का राग अलापने लगे। नहीं नहीं, निनाद मामा को जो सही पे दिल खोलकर प्यार आ रहा है ना बड़ी मामी, वो भी इन्हें जल्दी समझ आ जाएगा कि ये प्यार इन्हें सही के लिए नहीं, उसके दिए तोहफे के लिए। पत्र लिखा आएगा तू, हाँ तू सही की बात को अपने हार्ट दिल हृदय से क्यों लगा रही है? हाँ सुनाली सही कह रही है, हम हमेशा तुम्हारे साथ। बक अरे हो मैं भूल ही गई, आपके ऑफिस से कुछ पेपर्स आए हैं, आपको साइन करके भिजवाना है, आज ही कर दीजिए।
वरना कल आपको फोन कर करके तंग परेशान डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है? ये तिम इस वक्त कौन आ सकता है? कहीं विराट तो नहीं? देखो सर, हाय हाय अजिंक्य, राइट? या सही से मिलने आयो? या बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। जी वो एक्चुअली उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा उसका हाल चाल पूछ लूं। सही को बस थोड़ा सा जुकाम हुआ है। उसने तुम्हें ऐसा तो नहीं कहा ना कि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? क्योंकि उसकी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि ऐसे हाल चाल पूछने आना पड़े। एनीवे छोड़ो, अंदर आओ, कम। बड़ी मम्मी, सई का फ्रेंड अजिंक्य। नमस्ते। नमस्ते। सई ने तो मुझे गले के दर्द के बारे में बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे किसी और रीजन से आया हूँ। वो आज हमारी ऑर्थोपेडिक्स की क्लास थी सई ने अटेंड नहीं की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके घर आके नोट्स दे दूं उसे। वो आपका घर मेरे घर के रास्ते में पड़ता है ना? कमाल है, सई के किसी और दोस्त को उसकी इतनी चिंता नहीं हो रही है जितना कि तुझे। उसे हल्का सा जुकाम क्या हो गया? तू उसे देखने चला आ गया? नहीं आंटी, मैं तो बस नोट्स देने के लिए आया था। इनफैक्ट अगर वो अपने कमरे में होगी तो आप ही दे दीजिएगा, अब वो कल तक ठीक हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। अजिंक्य, ये नोट्स तुम मुझे मत दो। मेरा मतलब है कि ये नोट्स मुझे देने के बजाय तुम खुद सई को क्यों नहीं दे देते? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम उसके हालचाल तो पूछ के जाओ। चलो। क्या हुआ? अरे तुम अपने दोस्त के घर आए हो, कम से कम उससे मिलके तो जाओ। कम आ जाओ। अरे क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? देखो अभी सई की तबीयत ठीक नहीं है, वो नीचे तो नहीं आ सकती ना, इसीलिए तुम आराम से उसके कमरे में चले जाओ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अजिंक्य, गो। अरे गो ना। इट्स ओके, आप उसे नोट्स दे देना, या तो आप उसे नीचे बुला लीजिए, मैं ही मिल लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इट्स ओके अजिंक्य, तुम बस सई को नोट्स देने आए थे ना, उसे आज के लेक्चर में क्या पढ़ाया है यही समझाओगे, है ना? अब यहाँ कहाँ पढ़ाई की बातें हो पाएगी? तुम सई के इतने अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम आराम से उसके कमरे में जाओ, वहाँ जाकर उसे ये सब समझा दो इसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, आप बस उसे नोट्स दे दीजिएगा। और हाँ, मैं उसके लिए कपकेक्स भी लाया था, तो ये भी आप उसको दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ। रुको अजिंक्य, पकड़ो इसे, पकड़ो। तुम ये सई के लिए लाए हो ना, तो तुम्हें खुद इसे सई को देना चाहिए, ठीक है? आ जाओ, कम। मैं तुम दोनों के लिए चाय और कुछ खाने के लिए भिजवा देती हूँ, ठीक है? कम, आ जाओ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अजिंक्य, डोंट वरी, यू गो। गो। अच्छा ऊपर से ना लेफ्ट जाके सेकंड रूम, ठीक है? पत्र लिखा, ये क्या किया तूने? उस लड़के को सई के कमरे में क्यों भेजा?
अरे बड़ी मामी सई का दोस्त है, उससे मिलने गया उसके बेडरूम में। तुझे ये सही लगता है ऐसे किसी लड़के का हमारे घर की बहू के कमरे में जाना? क्यों, क्या हुआ बड़ी मामी, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ निनाद मामा अपनी हारमोनियम बजा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी बातें करेंगे, तो सई और अजिंक्या को तो थोड़ी शांति तो चाहिए होगी ना बातें करने के लिए। पढ़ाई की बातें? लेकिन पत्रलेखा, आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। निनाद मामा, जब सई आपके लिए हारमोनियम खरीद के लाई थी तो आप कैसे सरप्राइज हो गए थे, कितना अच्छा लगा था आपको। तो बस वैसे ही सई की तबीयत ठीक नहीं है तो अजिंक्य उसे सरप्राइज देने के लिए आया है, तो सई को भी तो कितना अच्छा लगेगा, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? विराट बस घर पहुंचता ही होगा, जब वो अजिंक्य और सई को एक साथ बेडरूम में देखेगा तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन एक बात पक्की है, वो रिएक्ट जरूर करेगा।